कठपुतली का जो शो होता है, नाटक होता है, ये एक ऐसी चीज है जो काफी आज से करीब 10-20 साल पहले ही इस चीज को हम लोगों ने बचपन में देखा था, लेकिन आजकल के मुझे लगता है कि करीब 95% बच्चे इस चीज को नहीं जानते ये क्या होता है। तो आज हमको एक नई क्या पुरानी चीज के बारे में दोबारा से जानकारी मिलेगी, तो इस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये नाटक पसंद आएगा और इससे आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। अपनी बातों को खत्म करता हूँ, धन्यवाद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बाप की है अमर कहानी, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर हाँ।
ओके आज हम तुम लोगों का इंग्लिश में कुछ टेस्ट लेगा, हम तुमको अंग्रेजी का कुछ डिक्टेशन देता है, तुम उसको लिखो, राइट डाउन, ओके ओके काउ गोट बुक रोज कटर। हम फिर से रिपीट करता है, राइट डाउन, काउ गोट बुक रोड कैटर। मोहन तुम्हारा कैटर का स्पेलिंग गलत था, उसे सुधारना, ओके अभी हम चलता है, बाय बाय। मोहन तुमने सामने वाले लड़के की नकल क्यों नहीं की? गुरुजी मुझे नकल करना अनैतिक में अनुचित लगता है, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। सच्चाई की मैं भी सच्चाई की कसौटी पर राजा हरिश्चंद्र की तरह परीक्षा की हर घड़ी में खरा उतरूंगा। बचपन में मैंने बहुत सारी गलतियां की जिनका मुझे बहुत दुख हुआ। पश्चाताप में मैंने एक दिन अपने पिताजी को पत्र लिखा, पिताजी मेरी चिट्ठी, मैं अपना दोष स्वीकार करते हुए माफी मांगता हूँ। मैंने गलत संगत में आकर बीड़ी पीना, मांस खाना, चोरी करना सीखा। मुझे जितनी बड़ी सजा आप देना चाहें दे सकते हैं, पर अपना मन ना दुखाएं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भविष्य में ऐसा अपराध फिर कभी ना करूँगा। सोचा था कि इस गलती के लिए मुझे मार पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जीवन में यह अहिंसा का पहला पाठ था। बाद में मुझे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, लेकिन मेरी माँ को इंग्लैंड भेजना बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ अब मोहन को बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दीजिए। मोहन मैं ऐसी कई बातें जानती हूँ जिसके कारण किसी भी भारतीय को भारत छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें बहुत खतरा है बेटी, वहाँ तुम्हें मांस खाना पड़ेगा, हो सकता है कि शराब भी पीनी पड़े, और ये भी हो सकता है कि तुम बुरी सोबत में पड़ जाओ और ये सब शायद तुम्हें बिगाड़ दे। नहीं माँ मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ, अपने सार संभाल तो मैं खुद कर सकता हूँ। तो ठीक है तुम शपथ लो कभी मांस नहीं खाओगे, शराब भी नहीं पियोगे और पर स्त्रियों से दूर रहोगे। माँ मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इन सभी बातों का विलायत में पालन करूंगा। भारत वापस आया तो मुझे मेरी माताजी के देहांत की सूचना मिली। मन इस बात को जानकर कि माँ अब मेरे साथ नहीं होगी बहुत दुखित हुआ। माँ मैंने तुम्हें जो वचन दिया था मैंने विलायत में उसका पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया है। मोहन तुम दुखी ना हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं बैरिस्ट्री पास करके भारत आया तथा कुछ समय बाद
एक केस के सिलसिले में मेरा दक्षिण अफ्रीका जाना हुआ। शामी उठो और दूसरे डिब्बे में मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है और मुझे अधिकार है कि मैं यहाँ बैठ सकूं। अरे पुलिस इधर आओ, इस शामी को उठाकर इसका बोझ और बिस्तर बाहर फेंक दो। क्यों ये गोरा क्यों ये काला, भेदभाव किसने है डाला। अरे गोरा क्यों ये काला, भेदभाव किसने है डाला। क्यों ये गोरा क्यों ये काला, भेदभाव किसने है डाला। क्यों ये काला, भेदभाव किसने है डाला। यहाँ इंसान इंसान में फर्क नहीं, अरे गोरों का ये स्वर्ग। यहाँ इंसान इंसान में फर्क नहीं, अरे गोरों का ये स्वर्ग। यहाँ इंसान इंसान में फर्क नहीं, अरे गोरों का ये स्वर्ग। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। उन्नीस दक्षिण अफ्रीका में रह रहे एशिया मूल के लोगों के लिए जो नागरिक पंजीयन कानून अनिवार्य किया गया, उसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया और हम उसमें सफल रहे। ये कानून भेदभावपूर्ण और जबरदस्ती लादा गया था। हमने सत्याग्रह आंदोलन का शस्त्र हर गलत कानून के खिलाफ प्रयोग किया। 1913 में हमने नेटाल खदान मजदूरों के साथ मिलकर गलत कानून के खिलाफ पुनः सत्याग्रह किया। हम लोग सीमा पार करके ट्रांसवाल में शांतिपूर्वक प्रस्थान करेंगे। सरकार हो सकता है हमें गिरफ्तार करे और जेल में भी बंद कर दे, लेकिन हमें शांत बने रहना है। इस अहिंसक तरीके से हम हमारे विरुद्ध लगाए गए सभी कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करेंगे। और क्योंकि हम नेक काम के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या आप लोग गिरफ्तार होने और कठोर व्यवहार को सहने के लिए हमेशा अहिंसक बनने के लिए तैयार हैं? हाँ, हाँ, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हम लोग एक शायद मिस्टर गांधी, हमने मजदूरों के प्रॉब्लम को समझ लिया है और हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। हम आपको बहुत जल्द रिलीज करेगा और आपके साथियों को भी छोड़ दिया जाएगा। जनरल स्मार्ट, हम आपके इस कदम की सराहना करते हैं। ओके मिस्टर गांधी, यू आर रिलीज नाउ। जहां मैंने सत्य और अहिंसा के कई प्रयोग किए, फिर मैं भारत लौट आया और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिला।
पहले तुम पूरे देश को जानो, यहाँ की सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों को समझो और तब कोई अगला कदम उठाना। जी गोखले जी, मैं आपकी बातों पर अमल करूँगा। एक बार मुझे मेरे साथी ने बताया कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती करवाई जा रही है। लोगों को इस अत्याचार से बचाने के लिए मैंने नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन करने का निश्चय किया। ए, चलो, जल्दी जल्दी काम करो, नील का खेती इस बार बढ़िया आना चाहिए, वरना हम तुम्हारा जान लड़ेगा, अंडरस्टैंड? यदि आप इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर चले जाएं, तो हम आपको ये प्रॉमिस करता है कि आपके यहां ये मुकदमा हम हटा लेगा। ये नहीं हो सकता, मैं यहां जनता और देश की सेवा के लिए आया। मैं चंपारण को अपना घर समझता और यहां के किसानों के लिए मैं काम करूंगा। बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यदि आप मुझे इन लोगों से बात करने दें तो शांति स्थापित करने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, we can allow you to talk to these people. आप लोग शांत रहकर मुझमें और मेरे काम में निष्ठा रखिए। यदि मुझे जेल भी भेज दिया जाए तो उसे भी उचित समझिए। हम सबको शांतिपूर्वक काम करना, किसी भी हिंसक कार्रवाई से हमारे उद्देश्य पर आंच आ सकती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों और बहनों, स्वदेशी आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से चलाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जब तक एक भी सत्याग्रही जिंदा या जेल से बाहर होगा, यह आंदोलन बंद नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप स्वदेशी अपनाएं, विदेशी चीजों का बहिष्कार करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बापू, आपने यह असहयोग आंदोलन चलाया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, वहीं खादी को अपनाने की बात भी कही, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए,
जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे तब तक हम आजादी की लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ सकते। खादी स्वाभिमान, स्वावलंबन और रोजगार की मुख्य आधार है, उसी की प्रतीक है। बापू, स्वच्छता के विषय में आपका क्या विचार है? आप स्वयं भी सफाई करते हैं एवं बड़े नेताओं से भी सफाई क्यों करवाते हैं? सफाई समानता, सामाजिक एकता और श्रम निष्ठा की प्रतीक है। मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति को अपनी और अपने निवास की सफाई स्वयं ही करनी चाहिए, ताकि समाज में असमानता, ऊंच नीच का भेद दूर हो सके। हमें ये समझना चाहिए कि ये श्रम के प्रति हमारी निष्ठा का भी प्रतीक है। बड़े यदि ऐसा आदर्श स्थापित करेंगे तभी छोटे उसकी पालना करेंगे। मुख्य कारण शराब की लत लगी और इससे लोगों को बचाने के लिए मैंने कस्तूरबा के नेतृत्व में महिलाओं की एक टोली बनाई। इस टोली ने शराब की दुकानों पर सत्याग्रह आंदोलन संचालित किया। बेटा ऐसे मिट्टी की पट्टी लगा दो, ठीक हो जाएगी। अच्छा बाप। मैंने दांडी यात्रा को संचालित किया। दांडी यात्रा के बाद अगस्त 1942 को मैंने अंग्रेज वॉइसरॉय को करो मरो आंदोलन के बारे में एक पत्र लिखा। हम अपने देशवासियों को अपनी इच्छा प्रकट करने से अब और अधिक नहीं रोक सकते, ना ही हम लोग साम्राज्यवादी नीतियों के सामने झुक सकते। अब समय आ गया है कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएं। उनके सरकारी नौकर, उनके सेना अधिकारी, शासकीय पदाधिकारी सभी को अब भारत छोड़ना होगा। मैंने कांग्रेस में प्रतिज्ञा की और कांग्रेस भी करने और मरने के लिए वचनबद्ध है।
आपको एक दुखद समाचार है। हम सबके प्रिय महादेव भाई नहीं रहे। महादेव जीवन पर्यंत करो या मरो के मंत्र को निभाते हुए जीवित रहा। उसका बलिदान भारत की स्वतंत्रता को और नजदीक लाएगा। बापू बाकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप हमारे साथ चलिए। कस्तूरबा तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। क्या कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता जवाहर? क्या संयुक्त भारत की कोई आशा नहीं है? बापू एकता असंभव है। अपनी ही सीमाओं के भीतर एक अलग राष्ट्र की कल्पना भयानक है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही है, नहीं तो ये विनाशकारी दंगे समाप्त नहीं होंगे।
सामुदायिक एकता के लिए पहली प्राथमिकता सांप्रदायिक हिंसा को रोक दिलों को जोड़ने की थी और हिंसा को रोकने के लिए मैंने उपवास रखा। बापू, अब सभी जगह दंगे शांत हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। बापू, अब तो उपवास तोड़ दीजिए। मौलाना मेरे भाई, अपने हाथों से थोड़ा मौसमी का रस तो पिला। देशवासियों के लिए आपका कोई संदेश? मेरा तो जीवन ही मेरा संदेश। बापू, आप भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं ऐसा भारत बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी ये महसूस करे कि ये उसका देश है, उसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्व। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंच नीच का कोई भेद ना होगा और सब जातियां मिलजुल कर रहती होंगी। ऐसे भारत में छुआछूत, शराब, नशीली चीजों के लिए कोई स्थान न होगा। मेरे भारत में स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार मिलेंगे। सारी दुनिया से हमारे संबंध शांति और भाईचारे का होगा। बस यही है मेरे सपनों का भारत। मित्रों और साथियों, हमारे बीच से प्रकाश अस्त हो गया है और हर जगह अब अंधेरा ही अंधेरा है। मैं नहीं जानता कि आपको क्या कहूँ और किस तरह से कहूँ। हमारे प्रिय नेता, हमारे प्रिय राष्ट्रपिता, हम जिन्हें प्यार से बापू कहते थे, नहीं रहे। हम अब उन्हें उस रूप में नहीं देख सकेंगे जिस रूप में वर्षों से देखते आए हैं। जो प्रकाश इस देश में जन्मा था वह साधारण प्रकाश नहीं था। जिस प्रकाश ने इस देश को अनेक वर्षों तक दीप्तिमान किया, वही इस देश को भविष्य में अनंत वर्षों तक प्रकाशित करता रहेगा। हजार वर्ष बाद भी वह प्रकाश इस देश में प्रज्वलित रहेगा। सारा संसार उसे देख सकेगा और वह सारी दुनिया को शांति प्रदान करता है।